और ये जो एमक्यूएम है पिछले 40 सालों में इन इनके होते हुए मुहाजरों को इज्जत नहीं मिल सकती, इनके होते हुए मुहाजरों को फला नहीं मिल सकती, क्योंकि एमक्यूएम की मौजूदगी और मुहाजरों की फला ये दो अलग अलग तजाद बातें हैं। मुहाजरों का बदहाल के बदहाल रहने में ही ये समझते हैं कि हमारा जो है वो कारोबार चलेगा और हमारी सारी चीजें चलेंगी। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के तमाम लोगों से कि ये जो लोग इख्तदार बचाने और इख्तदार लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों, किसी के इख्तदार जाने से, किसी के इख्तदार आने से तुम्हारे हालात पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी के चले जाने से, किसी के आने से, किसी पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर फर्क जो है वो किसी के इख्तदार आने जाने से नहीं, इख्तियार से फर्क पड़ेगा। आपके पास इख्तियार आ रहा है, लोगों के पास इख्तियार आ रहा है, ग्रास रूट लेवल पर इख्तियार आ रहा है नहीं आ रहा, इससे फर्क पड़ेगा। तो आज जो लोग इख्तदार में हैं, अगर वो चले जाते हैं, निजाम यही रहता, दूसरे आते हैं, तो आम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? वही वजीर आला कचरे का इंचार्ज है, वही वजीर आला जो है वो पानी का इंचार्ज है, वही वजीर आला सीवरेज लाइनों का इंचार्ज है, रोड का, अस्पतालों का, एजुकेशन का, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वजीर आला इंचार्ज है, तो आम आदमी इसी तरह से रुलता रहेगा और रुलता रहेगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। तो आज से और अब से आने वाले तमाम दिनों से पाकिस्तान के तमाम लोगों को, बिलखसूस सिंध के लोगों को और बिलखसूस कराची के लोगों को कहता हूं कि भाई अपने अपने लीडरों से इख्तियार की बात करो, इख्तदार की बात ना, तुम इनको इख्तदार में लाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इख्तियार की बात करो कि हाँ अगर तुम इख्तदार में आ रहे हो तो तुम इख्तियारात और वसाइल वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस से निकालकर मेरी गलियों में लेकर आने वाले हो या नहीं हो। अगर कोई इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं तो उसके इख्तदार में आने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं लोगों को मायूस नहीं कर रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपका कोई भला नहीं होने वाला किसी के जाने आने से। दूसरी बात, यहां पर इस ये जो अभी इस वक्त सारा ये निजाम है, इस सारी चीजों में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट, ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट आप आज एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का निकालें और 1988 का एग्रीमेंट निकालें, फिर 2008 का एग्रीमेंट निकालें, आपको 40 सालों में उन एग्रीमेंट में और इस एग्रीमेंट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नजर, वही इंग्लिश लिखी हुई है, वही अंग्रेजी है, वही ट्रक की लाल। असल एग्रीमेंट तो जो है वो जुबानी है कि भाई कितनी वजारतें दोगे, गवर्नर बनाओगे नहीं बनाओगे, पैसे की लेन देन, ये सब कुछ तो पेपर पे नहीं है। पेपर पे क्या लिख रहे हैं कि लापता लोगों को बाजियाब कराएंगे। अबे लापता लोग तुम्हें पता ही नहीं कितने हैं, तुमने लापता लोगों के लिए आज तक कोई बात ही नहीं की। लापता कराची में चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।